बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि राजधानी भोपाल में मनाई गई। एमपी नगर के वार्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इस अवसर पर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी श्रद्धांजलि बाबा साहब अम्बेडकर को दी। बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को पूरे देश में मनाई जाती है। संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सहित राज्य सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान पर चल रही है और बीजेपी का उद्देश्य है कि समाज में सबसे पिछड़े और निचले तबकों को आगे ले जाया जाए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समाज में पिछड़े हुए लोगों की मदद करने के लिए कहा कि इससे पहले जनजाति गौरव दिवस और टंटिया मामा भील के आयोजन द्वारा गरीबों की मदद का एक नया कीर्तिमान बीजेपी ने रचा है। बाबा साहब अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, वो भारत के संविधान निर्माता हैं, उन्होंने हमें संविधान दिया। वो सोशल रिफॉर्मर थे, वो महान शिक्षाविद थे, वो सामाजिक समरसता के पक्षधर थे, उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों शोषितों के लिए जीवन भर उनके हितों के लिए, उनकी जिंदगी बदलने के लिए लगातार प्रयास किया, संघर्ष किया और भारत का संविधान उनकी देन है। हम संविधान को भी प्रणाम करते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलकर मध्य प्रदेश की सरकार भी सामाजिक समरसता के साथ न्याय सबको, और सबसे पहले वो जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, जो सबसे पीछे और नीचे रह गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनके कल्याण की अनेकों योजनाएं बनाई और मध्य प्रदेश की सरकार भी कल्याणकारी योजनाएं बना के सबके कल्याण और उत्थान के काम में जुटी हुई है। बाबा साहब के चरणों में प्रणाम। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।